नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और अभ्यास पाठ संख्या 26। अब हम लोग आज का जो पाठ है वो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और इसकी चर्चा पीछे कई बार हो चुकी है, लेकिन हम एक साथ इसको किस तरह से लगा करके देखेंगे, अब उसका समय आ गया है। तो आज का जो पाठ का शीर्षक है कुंडली विश्लेषण के महत्वपूर्ण बिंदु। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर विश्लेषण करें कैसे, तो हमने आपको अलग अलग 12 भावों के विश्लेषण बता दिए, आपको दृष्टि संबंधी परेशानी हुई दृष्टियों के विषय में अच्छी तरह से बताया, आप लोग कहते थे कंजंक्शन का रिजल्ट कैसे देगा उसको भी बताया, अस्त ग्रह बकरी ग्रह क्या होता है उसका क्या प्रभाव होगा उसको भी बताया, तो सबको अलग अलग टुकड़ों में बताया। अब उस सबको हम एक साथ मिला करके कैसे देखें, तो सबसे पहले क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का लाभ लीजिए और पत्रिका बनाइए। आप जब पत्रिका बनाएंगे तो ग्रह की स्थिति अपने आप स्पष्ट दिखेगी आपको। नवांश वर्ग चार्ट में लगन के भावेश कहाँ स्थित है ये भी आपको पता हो जाएगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है सब कुछ पता हो जाएगा। सब कुछ जब एक ही स्क्रीन पे हमारे सामने होगा तो हम उसको किस तरह से आगे देखेंगे, तो देखने के लिए सबसे पहला बिंदु जो है वो है लग्न, लग्नेश और कारक, मेष आदि, अर्थात मेष से मीन तक कोई भी लग्नेश हो सकता है, लग्न की राशि कोई भी हो सकती है, और सूर्य आदि राहु केतु को छोड़कर कोई भी उसका स्वामी हो सकता है। तो लग्न लग्नेश आप लोगों ने देख लिया, ये समझ गए कि लग्न में जो राशि होगी उसके स्वामी को ही लग्नेश कहते हैं, और स्थिर कारक सूर्य है, तो लग्न में प्रभाव को देखना है ये आप लोगों ने सीख लिया है। हमने पीछे ही बताया हुआ है कि किसी भाव के हानि के लिए दो या दो से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो उसमें ये तात्कालिक और नैसर्गिक नहीं है, वो नैसर्गिक है, सिर्फ और सिर्फ नैसर्गिक है। लग्नेश की स्थिति कहाँ अच्छी होती है ये पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया, तो उसको देखिए केंद्रीय कोण में है कि 6-8-12 में है। अब लगन के ऊपर जो प्रभाव देखा था सेम प्रभाव लग्नेश के ऊपर भी देखिए, स्थिति के बाद किसके साथ युत है, किससे दृष्ट है, और कारक भी कहाँ स्थित है ये समझना है। तो इससे पता चलेगा कि जातक के पास स्वयं का सामर्थ्य कितना है, अगर सामर्थ्य अच्छा है तब तो जातक के जीवन में तरक्की होगी, अगर भाग्य से नहीं होगी तो अपने परिश्रम से हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश बलवान है। अब दूसरा बिंदु जो हम लोगों को देखना है, हमेशा कहते हैं कि लग्न से तन का विचार कर लिया कि जातक परिश्रमी होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 6-8-12 में नहीं है, सूर्य भी अच्छे पोजीशन में है, लग्नेश भी केंद्र त्रिकोण में स्थित है तो अच्छा है। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है जिस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे वो देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ स्थित है, उसी को तो राशि कहते हैं। तो चंद्रमा जिस भी राशि में से स्थित हो, मान लीजिए कि तुला लग्न की पत्रिका है, हो सकता है चंद्रमा सप्तम में मेष राशि में स्थित हो, तो जातक की राशि क्या कहलाएगी, मेष कहलाएगी। लगन की राशि क्या होगी, तुला, और सप्तम में चूंकि मेष राशि में चंद्रमा है तो चंद्र राशि मेष। अब उसके स्वामी मंगल की भी स्थिति को हम लोग देख लेंगे कहाँ है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां देखना क्या जरूरी है कि चंद्रमा किस भाव में स्थित है। राशि तो कुछ भी हो जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन यदि केंद्र त्रिकोण में चंद्रमा हो, लाभ स्थान में चंद्रमा हो, तीसरे स्थान में चंद्रमा हो तो ज्यादा अच्छा, छठे में भी चंद्रमा को अच्छा, लेकिन 4-8-12 के लिए अच्छा नहीं कहा गया, ये हम पीछे आप लोगों को बता चुके हैं। तो चंद्रमा की स्थिति को देखते ही समझ में आ जाएगा कि मानसिक बल कितना है, शारीरिक मानसिक ताकत हम लोगों ने देख लिया।
अब जो तीसरा पॉइंट होना चाहिए जातक को, हमने कहा था कि कैटेगरी करके आपको बताएंगे, लेकिन हमको लगा कि उसमें समय जाया होगा, आप इस बिंदु को समझने का प्रयास कीजिए। तीसरी दृष्टि हमारी जन्मकालीन दशा के ऊपर जानी चाहिए। पत्रिका बहुत अच्छी मिली, मान लीजिए मेष लग्न की पत्रिका मिली और दशा ही शुरू हुआ शनि से, और शनि भी बैठा अच्छे जगह पे नहीं, और अंतरदशानाथ भी अच्छे अक्ष में नहीं, 6-8 में हो, 2-12 में हो, तो ऐसे दशा अंतरदशाओं में यदि जन्म हो जाए तो हमारा तन और मन दोनों का विकास बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, हम बचपन से ही पीड़ित होते हैं। अब ऐसे में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आगे चल के बहुत अच्छा हो जाते हैं, उसका रीजन समझिए। आप ठीक है, स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसे घर में पैदा हो गए जहां आपके पास इंटेलिजेंट है, बुद्धि है, सब चीज है, लेकिन शिक्षा आप नहीं ले पाते क्योंकि आपके घर वालों को पढ़ाने के लिए उतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बचपन में जब हम ग्रो करेंगे तो एजुकेशन से ही शुरू होगा। तो इसीलिए जन्म के समय दशा अंतरदशा हमको यदि अच्छी मिल रही हो तब तो आगे भी हमारा सब चीज ठीक होगा, क्योंकि हमारा परवरिश अच्छा हो जाएगा, और परवरिश अच्छा हो गया, स्वस्थ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो कहीं भी जाएंगे हमको कोई परेशानी नहीं होगी, परिश्रम होगा परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए जन्मकालीन दशा और अंतरदशा देख लेना चाहिए, उससे बहुत कुछ पता चलेगा। इसीलिए इन बातों को कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है। अब आ जाइए कि महत्वपूर्ण जो और बिंदु है वो है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की स्थिति। अब इसमें हमने केंद्र को छोड़ भी दिया तो त्रिकोण के स्वामी की स्थिति, लग्नेश अच्छे पोजिशन में हो, पंचमेश अच्छे पोजिशन में हो, और नवमेश अच्छे पोजिशन में हो, अर्थात केंद्र त्रिकोण में ही हो, और कहीं दूर गया तो तीसरे, दूसरे और 11वें में हो, 6-8-12 में तो हो ही नहीं। तो यदि ऐसे पोजिशन में है त्रिकोण नाथ तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि ग्रह सिर्फ महादशा से तो परिणाम आता नहीं, अंतरदशाओं से भी परिणाम आता है। तो जब अंतरदशा में त्रिकोण के स्वामी या केंद्र के स्वामी अच्छे जगह पर प्लेस्ड हैं, स्थित हैं, तो क्या होगा कि हमको रिजल्ट आगे अच्छा मिलेगा। इसलिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की स्थिति को जानना, मान लीजिए एजुकेशन के बारे में कोई हमसे पूछने के लिए आया, हम देखते हैं कि पंचमेश जातक का 8वें में बैठा, 12वें में बैठा, 6ठे चला गया और अशुभ ग्रहों से पीड़ित भी है, तो अपने आप आएगा कि एजुकेशन डिस्टर्ब रहेगा, जातक मेधावी नहीं हो सकता, आप स्वयं कहने लगेंगे। और यदि पंचमेश केंद्र में हो, यहां केंद्र में होना या त्रिकोण में होना अपने से 12वें होने के को छोड़कर ये मानना, तो केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से युत हो, दृष्ट हो, तो हम कहेंगे अच्छा पड़ेगा, पढ़ाइए, और दशांतर दशा भी होनी चाहिए। दशा के विषय में हम लोग दशा को अलग से समझेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए, और ये हम लोग जान चुके हैं, 4th से एकेडमिक देखेंगे, 5th से हायर एजुकेशन देखेंगे, 9th से भी कौन सा एजुकेशन देखते हैं, अपने जेब से खर्च करके पढ़ना या हमारे जैसे से आप ज्योतिष शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ये शिक्षा हम लोग 9वें से देख लेंगे। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की स्थिति को समझना जरूरी, इसीलिए तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी साथ में हो, एक दूसरे से संबंध बना रहे हो तो अच्छा योग कहते हैं, राजयोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बलवान एवं बलहीन भाव और ग्रह। हमने भाव बलवान कैसे होगा, भावेश भाव में हो, भाव को देख रहा हो, भाव में कोई उच्च के ग्रह स्थित हो, भाव शुभ कर्तरी में हो, ये निर्विवाद रूल है, यदि ये रूल लग गया, हमने बेसिक में पढ़ाया है, वहां जाकर के आप पढ़िए, तो वो भाव बलवान हो गया। दूसरा कैसे बलवान होता है कि शुभ अशुभ कोई भी ग्रह हो, लेकिन नंबर ऑफ प्लैनेट्स किसी भाव में यदि अधिक है, 3-4 ग्रह यदि बैठे हैं
तो भी उस भाव से संबंधित रिजल्ट हमेशा हमारे जीवन में टकराता रहे। यदि छठे स्थान में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं तो हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, हमेशा अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, हमेशा रोग वगैरह ऋण वगैरह से परेशान रहना पड़ेगा। और भाग्य स्थान में बैठा है तो कभी बहुत अच्छा, और मान लीजिए कि कोई बुरे भी ग्रह बैठे हैं तो कभी नुकसान, लेकिन हमेशा वहाँ का रिजल्ट मिलेगा। लाभ में बहुत अधिक ग्रह बैठे हैं तो लाभ स्थान बलवान हो जाएगा, क्योंकि सातों के सातों ग्रह तो तात्कालिक अशुभ नहीं हो सकता, और तात्कालिक अशुभ जो होता है तीसरे छठे आठवें बारहवें का स्वामी, लेकिन वहाँ भी आठवें बारहवें के स्वामी के लिए और सबके लिए साहचर्य के नियम से भी देख लेते हैं हम लोग, तो कितना अशुभ हुआ, कितना अशुभ हम काउंट करेंगे, ये सब समझना है। तो भाव बलवान कैसे और भाव बलहीन कैसे, यदि मान लीजिए किसी भाव में शुभ भाव है, गुरु का भाव है और वहाँ शनि जाता है और दृष्टि कहीं से सूर्य की कहीं से मंगल की पड़ती है, तो वो भाव बलहीन हो जाएगा, उस भाव से संबंधित परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। और उस भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए इसी तरह से तो वो भाव बलहीन हो जाएगा, उस भाव के कारक पीड़ित हो जाए तो वो भाव बलहीन हो जाएगा, और उस भाव से संबंधित परिणाम, अब मान लीजिए कि चतुर्थ पीड़ित हो गया तो सुख नहीं होगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, घर मकान खरीदने जाएंगे जुगाड़ नहीं हो पाएगा, बहन का सुख नहीं मिलेगा, माता का सुख कम होगा। आगे हम लोगों को प्रैक्टिस में बहुत कुछ समझ में आएगा, किसी के माता जन्म के समय ही गुजर गई लेकिन वो ऐसे घर में पैदा हुआ कि जीवन का सब सुख प्राप्त है। इसीलिए हम जो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि चौथा पीढ़ी थे तो सारा सुख भी नाश हो जाएगा और माता का भी नाश हो जाएगा, हो सकता है जातक जीवन में बहुत सुखी हो लेकिन माता का सुख नहीं हो, ये सब प्रैक्टिस से आएगा, ये हम आप सभी जानते हैं। तो आपने देखा कि बलवान एवं बलहीन भाव और ग्रह, यदि हमको ये देखने आ गया तो हमको पता है कौन से भाव से क्या परिणाम आना है, तो जब हम बताएंगे तो सामने से जवाब तो हाँ में आएगा। राजयोगों का आकलन, अगर हम ये नहीं लिखते तो बहुत लोगों का विरोध होता, हम तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी से ही और गुरु शुक्र की दृष्टि से ही काम चला लेते, लेकिन पत्रिका में देखिए कितने राजयोग बने हैं, और राजयोग तभी अच्छे बनेंगे जब केंद्र त्रिकोण के स्वामी की युति होगी, गुरु शुक्र की स्थिति अच्छी होगी। तो यदि अधिक से अधिक राजयोगों का निर्माण हुआ हो तो निश्चित रूप से दशा किसी भी प्रकार की हो लेकिन अंतर दशाओं में उसका लाभ हमको मिलते रहेगा तो जीवन समृद्ध हो जाएगा। तो राजयोगों का आकलन, राजयोग अभी हमने पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, बहुत सारे ऐसे हमारे बंधु हैं जिनको पहले से ही मालूम है। आगे बढ़ते हैं नवांश वर्ग चार्ट में ग्रहों की स्थिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर D1 चार्ट एक शरीर है तो नवांश को उसका आत्मा कहना चाहिए, वो सूक्ष्म शरीर है, और वहां लग्नेश की स्थिति क्या, पंचमेश की स्थिति क्या, पहले भावेश के रूप में ग्रहों की स्थिति को समझेंगे, फिर ग्रहों के रूप में तो हम लोग समझ ही जाएंगे, लेकिन जब हमको पंचम का रिजल्ट देखना होगा तो पंचमेश की स्थिति को देखेंगे, तो इससे पता चलेगा कि रिजल्ट कैसे होगा। तो वर्ग चार्ट उसमें भी D9 का बहुत महत्व है। अगर जन्म पत्रिका में मान लीजिए कोई भी ग्रह गुरु यहाँ नीच के हैं और वहाँ जाकर के यदि उच्च के हो गए, कर्क राशि में चले गए नवांश पत्रिका में, तो हम क्या कहेंगे कि गुरु का प्रोग्रेस हो गया, यहाँ आठवें में स्थित थे वहाँ चले गए नौवें में स्थित हो गए दसवें में स्थित हो गए तो अच्छा हो गया। ये हमने नवांश वर्ग चार्ट में पढ़ाया है, इसीलिए इस बिंदु को भी याद रखना है आप लोगों को। आज तो सिर्फ हम आपको मेमोराइज करा रहे हैं कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ाया और उसका उपयोग कुंडली विश्लेषण में आप कैसे करेंगे, और जब ये इन सभी 10 के 10 बातों को यदि हम ध्यान में रख के किसी का विश्लेषण करेंगे तो भूल होने की संभावना कम होगी। खाली यदि इसमें चले कि भाव भावेश कारक हो गया,
आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अन्य वर्गों में ग्रहों की स्थिति ये तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब किसी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है। षट वर्ग में यदि शुभ में गए हों, दस वर्ग में यदि अधिक से अधिक शुभ वर्गों में गया हो, खोडस वर्ग में यदि अधिक से अधिक शुभ वर्गों में गया हो, तो वो ग्रह का, उस ग्रह का परिणाम हमको अच्छा मिलेगा, ये मान करके चलना चाहिए। तो सभी वर्गों में देख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको जब दशा अंतर दशा देखना हो तो उस ग्रह को तो जरूर सभी वर्गों में चेक कर लेना चाहिए। अब अन्य वर्गों में ग्रहों की स्थिति और क्यों देखना चाहिए, मान लीजिए कि कोई संतान के विषय में बात करेगा तो आपको सप्तांश तो देखना ही पड़ेगा। कोई करियर से संबंधित बात करेगा, प्रमोशन होगा, नौकरी मिलेगी, छूट गई, कब मिलेगी, तो दशांश वर्ग चार्ट देखना पड़ेगा। यदि कोई आपके माता के विषय में पूछ लेता है, पिता के विषय में कोई विशेष जानकारी पूछता है, तो आपको द्वादशांश देखना पड़ेगा। तो अन्य वर्गों में उस भाव के स्वामी की स्थिति, साथ में उन वर्गों के लग्न की स्थिति, ये सब हम आपको वर्ग चार्ट में पढ़ाए हुए हैं और आगे उसमें पढ़ाएंगे, तो उसको देखना बहुत जरूरी है, तभी आप बहुत अच्छे तरह से रिजल्ट दे पाने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्रहों के आपसी संबंध। अब यहीं से आपके युति का काम हो जाएगा, दृष्टि का भी काम हो जाएगा, क्योंकि संबंध चार तरीके से बनता है, हमने पीछे पढ़ाया हुआ है। पहला है युति, दूसरा है दृष्टि, एक दूसरे को देखना, तीसरा एक्सचेंज। अब एक्सचेंज की जैसे ही बात होती है तो लोग कहते हैं लाभ का व्यय के साथ एक्सचेंज हो गया तो अच्छा नहीं हुआ, पंचम का छठे के साथ एक्सचेंज हो गया तो अच्छा नहीं हुआ, अष्टम का सप्तम के साथ एक्सचेंज हो गया तो अच्छा नहीं हुआ, लगन का बारहवें के साथ एक्सचेंज हो गया तो अच्छा नहीं हुआ, चौथे का आठवें के साथ एक्सचेंज हो गया तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन केंद्र के स्वामी का आपस में एक्सचेंज होना, छः आठ बारह के स्वामी का आपस में एक्सचेंज तभी अच्छा जब वो छः आठ बारह के स्वामी छः आठ बारह से ही एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर वो छः आठ बारह के स्वामी केंद्र के त्रिकोण, क्षमा चाहेंगे त्रिकोण के भी स्वामी हैं और तब एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं। तो यहाँ ये एक्सचेंज रूल से भी हम लोग बहुत कुछ समझेंगे। अब इस स्थिति में मान लीजिए मंगल के साथ सूर्य भी, गुरु भी, ये तीनों हैं तो तीनों मित्र हैं, लेकिन अब ये तो नैसर्गिक मित्र हैं, अब तात्कालिक रूप से तीनों साथ हो गए तो क्या हो गए, शत्रु हो गए। तो मित्र शत्रु सम दशा अंतर दशा में रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, मिश्र रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन यदि इन लोगों ने योग बनाया हुआ है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया हुआ है, तो वैसे स्थिति में राजयोगों का फल पर्याप्त मिलता है। इसीलिए राजयोग वाले कंजंक्शन को अलग से ध्यान रख करके ज्योतिष में देखना चाहिए, इसीलिए यहां हमने कहा राजयोगों का आकलन। अगर राजयोग नहीं बनाया है तो पंचधा मैत्री को लगा करके ही रिजल्ट देने में आपकी भलाई और ज्योतिष की भलाई। तो यहाँ पे कंजक्शन भी होगा, दृष्टि भी आपका समाप्त हो जाएगा, योग भी समाप्त हो जाएगा, राजयोग का भी ध्यान में आ जाएगा। अब अगला क्या है कि अस्त एवं बकरी ग्रहों का आकलन। आजकल तो दो ही चीज समझना है, ग्रह नीच के दिख जाए, जातक मांगलिक दिख जाए, राहु केतु के अंदर सारे ग्रह कालसर्प दोष बोलने वाले के लिए वो दिख जाए, कोई ग्रह अस्त दिख जाए और वक्री दिख जाए। टेक्नोलॉजी का लाभ तो हानि भी, बहुत सारे ऐसे ज्योतिष हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जान रहे हैं कि ये वक्री है, ये अस्त है, ये एक घंटे का मात्र काम है, एक घंटे में लोग ट्रेंड हो जाएंगे कि मांगलिक कैसे बताना है, अस्त वक्री कैसे बताना है, वो एक घंटे का ज्योतिष सीख ले तो भी हमको और आपको वो घुमाते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं दे सकते। रिजल्ट के जगह पे क्या देंगे आपको, उपाय बांट देंगे। तो अस्त ग्रहों का क्या परिणाम होगा, अभी पीछे ही पाठ में हमने बताया है कि
कोई भी ग्रह अस्त हो जाए तो उसके प्रभाव लगभग आधे तो मान के चलिए कि समाप्त हो जाता है, तो परिणाम में भी 50% का अंतर आएगा। वक्री ग्रहों में भेद है कि केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो और वक्री हो जाए तो अच्छा हो गया, तो वक्री ग्रहों के भेद को हम आगे भी जारी रखेंगे। अस्त ग्रहों में बहुत ज्यादा भेद नहीं, सिर्फ ग्रह युद्ध जब बताएंगे तो उस समय थोड़ी बहुत बात आप लोगों को बताएंगे। अब इन सारे बातों का जब भी जैसे ही आकलन करके आप सामने वाले को संतुष्ट करेंगे तब उसका प्रश्न होगा कि आगे बताइए क्या होगा। तो जब आप आगे बताएंगे तो पीछे तो हमने देख ही लिया है पत्रिका कैसी है, कितना पावरफुल है, तो आगे वर्तमान दशा से वर्तमान में दशा और अंतर दशा किसकी चल रही है ये देखना है, क्योंकि वो अभी आया आपके पास। आपके पिताजी का मृत्यु हो गया, क्या फायदा बताने से? आपको करोड़ों रुपया का 5 साल पहले नुकसान हो गया, क्या फायदा बताने से? आगे क्या होगा ये ज्यादा जरूरी। यकीन मानिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने कहा कि हमको एक बड़े गुरुजी मिले थे, उस मेरे पीछे जितनी भी घटनाएं हुई थी सब बता गए, लेकिन आगे की जितनी घटना बताए वो एक भी नहीं हुआ, जो भी सुवासु फल बताए वो एक भी नहीं हुआ। तो इसको हमारे यहाँ विद्या है जिससे कि आपके जीवन में घटित बातों को बताया जा सकता है, लेकिन हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, हमारे पास बस ज्योतिष का ज्ञान है। लेकिन हम भविष्य की बात जो बताएंगे उसमें 100 बातों में हो सकता है कि 60, 70, 80 बात, 50 बात तो निश्चित सही होगा, लेकिन उसका प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन वैसे अघोर टाइप के लोग जो पीछे घटी हुई घटनाओं को बताएंगे, वो भविष्य में कुछ भी बताएंगे तो वो नहीं होगा ये मान करके चलना है, क्योंकि फिर वो अपने मुख से जो भी निकलेगा वही बताएगा और आपके धन संपत्ति और आचार विचार को देखते हुए बताएगा। तो वर्तमान दशाओं से वर्तमान समय में कष्ट है या नहीं है, या अभी कष्ट है, आने वाली दशा अच्छी होगी और उसकी स्थिति पत्रिका में कैसी है वो सब इसी से पता चल जाएगा। आप रिजल्ट बताने लगेंगे तब आपको लगेगा कि दशा से ये जो भी सुवासु फल हैं वो दशा से ही विशेष रूप से मिलता है। गोचर गोचर लोगों ने बहुत शोर किया हुआ है, गोचर से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। दशा से जो परिणाम हमें प्राप्त होने वाले हैं, गोचर का काम सिर्फ हम तक उस परिणाम को पहुँचाना है। और पहुंचाना कैसे कि हमारे पास प्राप्त करने का सामर्थ्य होना चाहिए। वो गोचर के ग्रहों से हमारे भौतिक शरीर में एटीट्यूड में परिवर्तन होता है, ये हमेशा होता है। सुबह हम दुखी थे, शाम को हम खुश हो जाते हैं। सुबह मेरे जेब में एक भी पैसा नहीं था, शाम को लाखों रुपया आ जाता। तो ये समय परिवर्तनशील है, लेकिन ये समय के विषय में ज्ञान कौन देगा? दशा। और लाभ होगा समय का या हानि ये बताएगा गोचर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमको अब कुंडली विश्लेषण करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आगे, चूंकि अब हम एक भाव की व्याख्या नहीं करेंगे कि लगन की व्याख्या कर दी हो गया, मोदी जी के 12 भावों की व्याख्या कर ली आपको कितना लाभ हानि नहीं पता, लेकिन अब जो होगा वो एकदम कैलकुलेटेड व्याख्या होगी कि जातक को संतान होगा कि नहीं, करियर कैसा रहेगा, शत्रु से पीड़ित होगा, रोग होगा। अब हम लोग 12 भावों को देख करके उसके स्वामी और ये सारे जो बिंदु हैं इसको समझते हुए और कौन से दशा अंतर दशा में क्या रिजल्ट होगा यही तो बताना है। तो आपको लगता होगा कि बिल्कुल सरल हो गया। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक बारी दशा को कैसे समझें, या फिर ये कहें कि दशा का विश्लेषण कैसे करें। अच्छा, दशा अंतर दशा का भी पाठ अनवरत चल रहा है, तो वो सारे पाठ जो बेसिक में चल रहे हैं उसको देखते रहिए, और एडवांस में फलित में मास्टर बनने के लिए प्रिडिक्शन प्रैक्टिस को देखिए, और भावार्थ रत्नाकर के जो पाठ आते हैं उसको देखना बहुत जरूरी।
क्योंकि उसमें आपके और हमारे समझ से परे भी कुछ लिखा गया और वो यथार्थ है, इसीलिए उसका विश्लेषण जानना बहुत जरूरी। उम्मीद करते हैं पाठ आपको समझ में आता होगा। किसी भी तरह की परेशानी हो बेझिझक कमेंट कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए आप बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको समय लेना होगा। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।